अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे भाई, खुशबाश होंगे। तो यार ये जो मुर्गियां हैं हमारी भाई, हमने इनको कर देना शिफ्ट। यार वो जो सात कमरा था मैंने आपको बताया था कि जो बंद रहता है, यार आज पूरा दिन लगा के भाई उसकी हमने सफाई कर दिया, तो इनको जो है हमने यार उधर शिफ्ट कर देना है। क्योंकि भाई इधर जो है ना यार, ये तोतों के साथ सही रहती नहीं है, उधर खुली रहेंगी भाई, खुश रहेंगी, इधर पिंजरों में बंद रहती हैं। देखें इधर से भी उन्हें निकाल दी हुई हैं दोनों मुर्गियाँ, तो मैंने ना इनको साथ ही छोड़ा हुआ है। तो ये देखो भाई, ये जो थाई मुर्गी थी हमारी उधर सुकून से बैठी हुई है, सुबह से ना इनके साथ ही है। तो मैंने कहा यार इनके साथ ही रहेगी तो भाई फिर ही सही रहेगी, नहीं तो ऐसे लड़ाई करेगी नहीं करेगी, इसलिए भाई मैंने पहले ही ना इसको इनके साथ छोड़ दिया है। तो ये तोते भाई हमारे माशाल्लाह, इनको भी इकट्ठे ही कर दिया था मैंने, आपको पता ही है। और ये जो भाई नए ले के ऐसे तोते हम, ये भी खुश हैं। एक आधे दिन तक हम ये नीचे वाले केज में छोड़ेंगे दो दो जोड़े करके, ये इधर से भी भाई निकाल लेंगे। जो जोड़े जो हैं फालतू हैं, लड़ाई करते हैं यार, बार बार एक दूसरे को मारते हैं। तो भाई कबूतर देखें यार हमारे क्या कर रहे हैं, कबूतर हमारे भाई माशाल्लाह जो हैं दाना खा रहे हैं। लो जी भाई माशाल्लाह देखो जी, कबूतर सारे जो हैं माशाल्लाह दाना वगैरह खा रहे हैं। और ये जो है भाई बैठा हुआ है अंडों पे, और ये भाई इसने उस दिन पर मारे थे, नहीं नहीं इसने नहीं थे मारे, इसने भाई मारे थे पर। इसे यार डर ही लगता है भाई, इसने टैडी है माशाल्लाह माली है, इसने एक ही अंडा दिया हुआ है अभी। और ये देखो यार आ जाओ भाई दाना खाने, कोई नहीं तंग करता आपको भाई। ये कबूतर हमारा ये भी बैठा हुआ है अंडों पे, यार क्यों नाराज होते हो भाई? नहीं यार अभी भाई इसके कोई बच्चे वगैरह नहीं निकले। और ये जो है माशाल्लाह बच्चा, ये भी आगे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। यार ये जो शराजी हैं हमारे कबूतर, उसने एक ही अंडा दिया है, पर वो जो दूसरा जोड़ा है वो बैठा हुआ है अंडों पे। तो यार ये जो है अंडे पे भी नहीं बैठे, और ये पता नहीं क्या इन्हें मसला हुआ है। जो फीमेल है वो नीचे है और जो मेल है भाई वो ऊपर है, पर अंडों पे जो है बिल्कुल भी नहीं बैठा। और ये कासत फीमेल देखो भाई, हमारे शराजियों के केज में गई हुई है, और मेल इसका ये है। तो यार भाई ये ना हो कि ये जो फीमेल है उधर बैठे मेल इधर बैठे, तो ऐसे यार इनकी ना लड़ाई हो जाएगी, ये तो मसला ख़राब हो जाएगा। इनको ज़रा उनके साथ लड़ाई नहीं करने देनी भाई, क्योंकि उसने अंडे वगैरह दिए हुए हैं, तो तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं उसने माशाल्लाह अंडे दिए हैं फीमेल ने। अब तो भाई उसके जो है बच्चे भी निकलने वाले हैं मुझे लगता है, तो इसलिए भाई हमने ना इन्हें लड़ाई करने नहीं देना। तो ये भाई अंडे से साइड पे होके बैठी हुई है, अंडा इसका ख़राब तो नहीं हो गया कहीं? मुझे लगता है कि यार अंडा भाई इसका जो है अंदर से हिल रहा है पानी की तरह, देखें एक साइड पे आया हुआ है सारा। मुझे लग रहा है कि ये जो अंडा है भाई इसका ख़राब है, पर फिर भी यार देखेंगे इसको, चेक करेंगे कि निकलता है बच्चा कि नहीं निकलता। पर मुझे लगता है कि यार ये जो है ना इसका अंडा जो है ख़राब हो गया होगा। तो ये देखो यार, ये पता नहीं भाई इस जोड़े का हमें इंतज़ार है बच्चों का, पर पता नहीं कब निकालेंगे यार बच्चे माशाल्लाह, जो सबसे प्यारा जोड़ा ये है। और ये देखो यार इधर, ये आपके अंडे, अच्छा सॉरी इनके बच्चे थे यार। तो यार भाई बटेरा हमारा एक मिल ही नहीं रहा, 3-4 दिन हो गए हैं, वो पता नहीं किधर गया हुआ है, वो मिला ही नहीं। मुझे लगता है कि दरवाज़ा खुला होगा भाई ने, तो वो जो है निकल गया कहीं, तो भाई मिला ही नहीं है बटेर जो है। तो यार भाई मैं ना आज पूरा दिन तकरीबन कल से सफाई कर रहा था इधर, साथ जो रूम था भाई उधर की सफाई हो गई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ यार। तो सफाई जो है भाई हमने कर दी है, ये दरवाज़ा कर दें भाई बंद। तो यार सफाई दिखाएं आपको, हमने कर दी है भाई सारी। लो जी भाई आ गए, ये देखो यार भाई रूम जो है ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भाई खुला है। तो ये है कि यार इधर भाई काफ़ी ज़्यादा केज वगैरह बन जाएंगे यार मुर्गियों का, हमने जितना भी सेटअप है ना सारा भाई इधर ही करना है। तो मैंने कहा कि यार मुर्गियां जो हैं ना भाई सारी जो इधर ही ले जाएंगे, खुली रहेंगी यार, क्योंकि उधर तोतों के केज में केज पड़े हुए हैं, कबूतर हैं यार ऐसे, वो तंग होती हैं मुर्गियां भी, उनको बंद करने की जगह ही नहीं थी है। तो यार ये 2 दिन लगा के भाई कल और परसों
दो दिन लगाए हैं भाई, इधर की सारी सफाई हो गई है। अब इधर राड वगैरह लगाएंगे ऊपर, बड़े वायरिंग वगैरह होगी, तो दो तीन दिन यार ऐसे ही रहेगा भाई, इसकी स्प्रे वगैरह करेंगे इधर। तो उसके बाद यार इधर ले के आएंगे मुर्गियाँ वगैरह सारी जो हैं इधर खुली रहेंगी। और जो मौसम जो है भाई वो भी आज सही हो गया, तो उसके बाद जो है ना इधर और भी जानवर ले के आएंगे इंशाल्लाह ताला। सफाई हो गई है सारी, आज पूरा दिन ही लग गया हमारा यार। ये मुर्गियाँ जो है भाई, वो जो हमारी थाई मुर्गी है उसको अपने साथ नहीं मिला रही है यार। देखो ना इन्होंने पानी गिरा के क्या हाल किया हुआ इधर। तो यार भाई इनको सबको हमने उधर ले जाना है, सुकून के साथ उधर रहेंगी, इनकी सफाई वगैरह भी सही तरह हो जाए करेगी। इधर जो है केज वगैरह पड़े हुए हैं तो तंग करती हैं ये बाकी जानवरों को भी, तो इनकी वजह से बाकी जानवर भी जो हैं यार वो भी तंग होते हैं। वो जो चूज़ा है हमारा उसको मैंने अंदर छोड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही भाई उधर ले जाएंगे, वो अलहदा रहेगा इनके साथ। पर ये जो हैं सारी मुर्गियाँ जो हैं ये खुली रहेंगी, तो उधर जो घर में जानवर हैं चकोरे वगैरह हैं बच्चे वगैरह हैं वो भी अब सारी यार इधर आ जाएंगी, तो स्कूल के साथ भाई इनका सेटअप बन जाएगा अपने हिसाब से। भाई भी ये फिरती रहें करेंगी स्कूल के साथ, ना अब इनको तंग करेगा। और तोते यार भाई नीचे वाले केज में यार ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको भाई अब कैसे अलहदा करना है यार ये भी मसला है, क्योंकि पता नहीं किसने अंडे दिए हैं किसने नहीं दिए। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई इनको जो है हम इधर ही रहने देंगे, ऐसे ही जैसे पड़े हुए हैं। तो ऊपर जो है ये तीन केज, दो केज पड़े हुए हैं खाली, इधर यार और भी लेके आएंगे जानवर, तो उसको भी भाई फुल कर देंगे। और ये जो है वो देखो भाई माशाल्लाह सारे जोड़े हैं भाई, ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हैं ये। अरे यार अभी बच्चा निकला कोई नहीं है, पर निकल आएगा एक आधे दिन तक। वो भाई बता रहा था कि मैंने ना मछलियाँ वगैरह चेक की हैं, तो तकरीबन सारी मछलियों में ना दो दो तीन तीन अंडे पड़े हुए हैं। ये उम्मीद है कि यार इंशाल्लाह ताला दो चार दिन तक भाई सारे बच्चे निकल आएंगे। वो देखो भाई वो भी है, सुबह यार ये लड़ाई बड़ी कर रहे थे दो, एक मेल था और पता नहीं दो फीमेल थी, आपस में लड़ रहे थे सारे। ये जो है भाई ये शरीफ ही लगते हैं, ये इन्होंने किसी को तंग नहीं किया, बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। इनमें भी यार एक जो है फीमेल है और तीन मेल हैं। अभी हमें समझ लो कि भाई तीन जो है दो फीमेलें और लानी पड़ेंगी, तो फिर जाके भाई ये जोड़े जो हैं हमारे पूरे होंगे। तो उसके अलावा नहीं भाई, तो यार इनका भी मुझे लगता है कि ये भी भाई सारे मेल ही हैं, क्योंकि अगर फीमेल होती तो यार इन्होंने अंडे वगैरह दे देने थे, पर दिए ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि यार ये अंडे दे देंगे, पर नहीं दिए भाई उन्होंने। इनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं इन्हें। हमने तो यार जितनी भाई करना था दाना वगैरह हर चीज़ टाइम पे दी है, और मर्जी इनकी भाई नहीं दी है, तो हमने तो इन्हें तंग करना नहीं है। ये जो है मुर्गियाँ हमारी यार उधर जाएंगी, तो ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ब्रीड करेंगी। यार ये मुर्गे के मुंह पे पता नहीं क्या हुआ, तो मुर्गी जो है भाई कुड़क हुई थी, पर अंडों पे हमने इसको बिठाया नहीं है। तो ये है कि भाई उधर जाएंगे इनके प्रॉपर जगह बनी होगी, तो स्कूल से अंडे देंगी, अंडों पे बैठेंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम बच्चे भी निकलवाएंगे इनके। पर इधर नहीं यार, इधर छोटा सा केस है भाई, तो जगह भी नहीं थी है इनको तंग करने की, तंग पड़ी हुई थी बिल्कुल, इनको बंद करने की जगह भी नहीं थी है। देखो यार इस केज में थी तो कुछ इधर बंद की हुई थी, तो यार मैंने आज भाई ने सबको बोला, मैंने कहा कि यार फिर वो भाई खुली, तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगी तो इनका दिल लग जाएगा, लड़ाई भी नहीं करेंगी, क्योंकि उधर यार इनको बंद करना है, तो बंद करके गए तो ये ना होगा लड़ाई हो जाए कोई मसला हो जाए। इसलिए भाई मैंने ना सबको ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैंने कहा जो करना है अभी कर लो मेरे सामने। पर शुक्र है कि यार ये जो है ना लड़ाई उन्होंने बिल्कुल नहीं की, भाई सुकून के साथ बैठी हुई है, ना इन्होंने एक दूसरे को तंग किया ना लड़ाई की है। ये जो है भाई मुर्गी हमारी, इसको पता नहीं बाइक ज़्यादा पसंद आ गई है, ये जो है इसके ऊपर ही बैठी रहती है। मुझे लगता है कि यार ये जो है ना बाकी मुर्गियों से ना वैसे भी डरती है ये, तो यार कुछ नहीं होता भाई, एक आधा दिन लगेगा तो इंशाल्लाह ताला ये भी सही हो जाएगी। दाना वगैरह माशाल्लाह इसने भी बिल्कुल सही खाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि भाई लड़े ना यार कोई भी जानवर जो है ना आपस में लड़े ना, क्योंकि आगे भी ना ऐसे ही दो तीन जानवर हमारे ज़ाया हो गए हैं। तो इसीलिए यार मैं कहता हूँ कि भाई उनको ना लड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी शहजादी जी,
माशाल्लाह यार इसके पर वगैरह देखो भाई सारे आगे हुए हैं, तो सिर्फ यार इसकी ये जो पीछे दुम के पर है ना ये रह गए हैं। उम्मीद है कि भाई ये भी जो है जल्दी आ जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कैसी लगी यार आपको हमारी आज की वीडियो, यार कमेंट्स में जरूर बताना, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।